ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान जिसके आगे मॉडर्न साइंस भी कई बार नतमस्तक हुआ है। ग्रहों और दशाओं की गणना की इस अति प्राचीन विद्या के प्रकांड विद्वान हैं भोपाल के ज्योतिष मठ संस्थान के संस्थापक पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम, जिनकी सटीक भविष्यवाणियों के कायल हो जाने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें इंदिरा गांधी से लेकर भैरव सिंह शेखावत तक का नाम शुमार है। देश की राजनीति, राजनेता और भारत के वर्तमान और भविष्य पर क्या कहते हैं पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम, इंडिया फर्स्ट की इस खास सीरीज में आप भी जानिए। पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम से इंडिया फर्स्ट का सवाल, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? नमस्कार। गनीमत की बात है कि इसके टुकड़े अभी नहीं हुए। 2016 और 15 में गोचर के चार ग्रह पाकिस्तान को टुकड़े करने के पक्ष में थी, लेकिन केंद्रीय ग्रहों का बल नहीं मिला और पाकिस्तान की जो राशि है उसका स्वामी शुभ दशा के बीच में था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। भविष्य में पाकिस्तान के टुकड़े तो होना है, लेकिन यह दोष भारत पर मढ़ा जाएगा। और पाकिस्तान की जनता के विषय पर जो ग्रहों का तालमेल है वो अनुकूल नहीं है। पाकिस्तान की कुंडली उठा करके कोई भी ज्योतिषी ये बता सकता है कि वहाँ की जनता तो बहुत ही ज़्यादा त्रस्त होगी। अभी त्रस्त रहेगी, आगामी 2 वर्षों में तो इतनी त्रस्त हो जाएगी कि वो भारत से हर किस्म से अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू करी कि टुकड़े तो होना है, ये भी एक तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ना बिसंति शुभम नृणाम सौम्या कृंदा धृपा यदि कुरुराश्चेत शुभम होत्री तो प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। अब उसके लिए शुभ होना तो शुभ है ही नहीं, कभी भी शुभ नहीं हो सकता। पका हुआ दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए और फिर कहा जाए कि ये दूध स्वादिष्ट और बिना फटे हुए रहेगा, स्वाद बिगाड़े हुए बिना रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो अभी उन पर 7.5 का जो प्रभाव होता है, 3-3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव चल रहा है शनि पर। अक्टूबर से एक ग्रह और आ गया, तो जब 4-4 ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं तो विनाश तो नहीं होता, लेकिन विनाश जैसी स्थिति बन जाती है। यही स्थिति पाकिस्तान के ऊपर है, उसमें किसी का दोष नहीं, सब ग्रहों के आधार पर हो रहा है। ना उसमें अमेरिका का हाथ रहेगा और ना भारत का हाथ रहेगा। हाँ, एक सर्प के पास जब किसी की मृत्यु हो तो नाम ये लगेगा कि सर्प ने दशा है, मृत्यु तो होनी थी। तो पाकिस्तान का जो दुर्ग्रह है वो सब पाकिस्तान को ये सब करवाएगा। उसके वैसे तो 3 खंड होने चाहिए, लेकिन 3 नहीं तो 2 तो हो ही गए, और वो 22 के पहले। कोई भी ज्योतिषी गणित को देख करके, पंचांगों को देख करके ये बात सिद्ध कर देगा। कुछ चीज़ें तो हैं जो रुक जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो होनी है। दिखत तम नलाते प्रोजतंग का समर्था, एक जो होना है वो होना है, लेकिन एक का आप शंका करेंगे और आपकी शंका वाजिब रहेगी कि जब होना है तो फिर उसके उपाय क्यों करें। उपायों में कोई फायदा नहीं, तो उपाय क्या करना है, जो होना है होना है, ऐसा नहीं है। कुछ कार्य हैं जिनमें उपाय से लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ है उन्हें भावी कहेंगे। जिनमें जिन उपायों में कुछ हो नहीं सकता उनको होनी कहेंगे, वो कोई नहीं टाल सकता, भगवान नहीं टाल सकता। एक नियम बना दिया, उस नियम के अधीनस्थ, जैसे भारत का जो नियम है प्रधानमंत्री भी रहेगा, वो उसे ऊपर थोड़े होगा कानून से। यही स्थिति हमारे वेदों में है,
ईश्वर की संरचना में जो नियम बने हुए हैं उसके बाहर नहीं जा सकते। उसको एक होनी को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और भाभी को मान लीजिए जिला जज का फैसला। तो भाभी है तो टल जाएगी पूजा पाठ यंत्र मंत्र, लेकिन ये तो होनी के रूप में पाकिस्तान का भाग बनना, तो इसको कोई टाल नहीं सकता, ना शांति आ सकती, कोई उपाय नहीं। इंडिया फर्स्ट की सीरीज में हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiafirst.online पर। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल and all notifications on your mail. Press the bell icon on YouTube app and never miss any update.